तो हम लोग अभी लाइक मॉर्निंग में ऐसा फॉरेस्ट ट्रैक के लिए जा रहे हैं और अभी 8 बज रहे हैं, तो हम लोग को 8 बजे ब्रेकफास्ट रहेगा और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग 9 to 11 हम लोग फॉरेस्ट ट्रैक के लिए जाएंगे। कल शाम को हम लोग जो ट्रैक पे गए थे उसका नाम क्या था? सनसेट ट्रैकिंग। और आज जो है उसका फॉरेस्ट ट्रैकिंग। वड़ा पाव। यहाँ पे जो रूम्स है उसमें एसी और फैन नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट की वजह से लाइक बिल्कुल गर्मी नहीं होता है, टेम्परेचर लाइक काफी अच्छा रहता है और कूल रहता है। हाँ तो अभी हम लोग सुबह उठे हैं और हम टाइम टेबल के उसमें फॉलो करने का ही है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो किसी के लिए भी रुकते नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए मुंह में बन लेके आ जाता है और ये सब। चलो बाय। तो ये जो भी है ये डाइनिंग प्लेस है, यहाँ पे लंच डिनर और ब्रेकफास्ट होता है। यहाँ पे लाइक बाहर बैठने का भी व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पे बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। हो जाता कितना टाइम। सो ये जो आपको यहाँ पे जो वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली लाइक क्लियर व्यू था पहले, बट अभी सुबह सुबह फुल फॉग जमा हुआ है, फॉग या फिर क्लाउड्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफी हाइट पे। सो ये जो क्लाउड्स है हम लोग को बीच में लाइक लिटरली दिख रहा है, यहाँ से ऐसा एंटर कर रहे हैं अंदर, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से। का ब्रेकफास्ट हो गया और अभी सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सो यहाँ से फॉरेस्ट ट्रैक चालू करने वाले, तो हम लोग को लाइक यहाँ से गाइड करके लेके जाएंगे पूरा। सो यस फाइनली ट्रैक स्टार्ट हो गया और हम लोग को लाइक गाइड करके लेके जा रहे हैं सब फॉरेस्ट में से। सो ये एक्चुअली लाइक प्रॉपर्टी के अंदर का ही एरिया, हम लोग धीरे धीरे लाइक ऊपर ऊपर अलग एरिया में जाएंगे। सो ये जो फ्रूट है इसको फॉल्स गुआवा बोलते हैं और ये लाइक पॉइजनस होता है। सो ये ट्रैक है लाइक वो बीच बीच में ऊपर है, बीच बीच में नीचे जाना है, और जो कल का ट्रैक था वो खाली लाइक ऊपर ऊपर चढ़ के अपने को पहाड़ के पीक पे जाना था। मला बोलायला काय सांगणार, आता खूप एन्जॉय करत आहोत आम्ही या जंगलामधून। छोट्या छोट्या पायवाटा आहेत दगडांचे, काय सांगणार आता। हर्षल प्लीज। मला कुठे होतं मध्ये, जंगलचा हा ट्रेक आहे, फॉरेस्ट ट्रेक आहे, आणि आम्हाला आमच्यासाठी पण हे नवीन आहे, कारण कधी जंगलात फिरणं आपलं ऑफकोर्स होत नाही, आणि इथे सगळा पूर्ण दाट झाडी आणि सगळा पालापाचोळा, किडे रातकिड्यांचे किड्यांचे आवाज, पक्ष्यांचे आवाज, हे सगळं अनुभवणं हा खूप छान एक्सपिरियन्स आहे जो आम्हाला इथे मिळतो आहे। थँक्यू। सो अभी हम लोग लाइक लिटरली डेंस फॉरेस्ट के बीच में, आपको लाइक आजू बाजू में देख के समझ रहा होगा। जोर से बारिश होता होगा तो जा ही नहीं सकते।
You can hold like this and you can. Hello. How's the experience so far? How? It's good to hike a little bit in the forest. Yes, I live in the mountain, so it's just like in my home. Oh. That's nice. But the weather is different. Yeah. Where do you stay in the mountain? Alp. Oh. Yes. France. Even you? Near, in the city. In the city. Chalo. Okay, thank Chalo, you. Chalo, aage badhte. Subah kabhi aapne hase apan baar? हम जो ट्रैक से गए थे यानी कि इसके पहले वाले व्लॉग में वो ट्रैक से ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इजी है और लाइक बहुत ही प्लेन रोड चालू है अभी तो हम लोग लाइक आराम से चल चल के जा रहे हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं आजू बाजू में। दोनों ट्रैक अच्छा था पर ये ट्रैक जो है वो लाइक थोड़ा कम एडवेंचरस है, थोड़ा ज़्यादा ईजी है और इन्जॉयबल तो दोनों है। सो ये वाटरफॉल है जो अभी ड्राई हो गया है समर के कारण। She's trying to figure out. क्या हुआ? सच इधर से किधर से भी कूद गया है। इसको कोबरा का आवाज पसंद नहीं है। डर के ही बहुत डिफेंसिव हो जाता है। क्या तो साउंड नहीं होगा? एनिमल एक मिनट। चलो। गाइस आप रुक जाओ। अरे दीदी रुको। क्या? ये क्या है? इधर से कैसे आएंगे? अरे माय गॉड, ओ दीदी कोई और रास्ता नहीं है? आ जाओ ना, तुम्हें कैसे डर लग रहा है? अरे अंदर आओ। अरे कैसे जाओ? जाना था तेरे अपने को बाद ऊपर टॉप पे वो देखना आगे गए। ज़ूम कर सकते हैं पर नहीं नहीं यहाँ पे लाइक लेजिट रॉक के अंदर ऐसा लाइक बहुत ही अच्छा डीप जगह है। मम्मी आवाज मत करो, बोला। सो पहले मैं बोल रहा था कि लाइक काफी इजी ट्रैक है बट ये जो पार्ट है वो काफी डिफिकल्ट था। लाइक कल जो ट्रैक पे गए थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था ये पार्ट ट्रैक कर चढ़ना। सो वो हमारे ट्रैक का एंड पॉइंट है और वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल है, लाइक बड़ा वाटरफॉल है बट अभी छोटा हो गया समर की वजह से। सो हम लोग वहाँ पे जाके लाइक ट्रैक ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग को वापस जाना है। क्या मजा आ रहा है ना इसका? हाँ चुप रहे। ये देख कैसा पानी है यहाँ पर। हाँ तू रुकेगा क्या जरा?
फाइनली हम लोग एंड पॉइंट के काफ़ी करीब आ गए और ये वाटरफॉल लाइक अब देख सकते हो काफ़ी छोटा पानी बह रहा है। दीदी याच्यामध्ये बसू जानी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पानी सुपर कूल है और बहुत मजा आ रहा है। इतना वो छोटे छोटे फिशेस भी है पानी में जो बहुत क्यूट है और पैर को छोटे छोटे आके टच करके जा रहे हैं, क्यूट लग रहा है। थोड़ी थोड़ी धुली हो गई लेकिन हाँ बहुत मजा आ रहा है। अभी सच्ची बोट ऐसा हो गया है तो थोड़ा उस तरफ कर सकते हैं। बराबर है, अभी बैलेंस अच्छा है, वही तो तू जाएगी ना फिर बराबर बैलेंस हो जाएगा वापस। आई थिंक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस, ऐसी जगह लाइफ में पहली बार देखी है और ऐसा बोट राइड भी फर्स्ट टाइम किया है। ये पानी ठीक है, वो पकड़ लिया तो एक पत्थर आ रहे थे खींच लेंगे। सो अभी 4:50 बज रहे और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय कॉफ़ी के लिए और चाय कॉफ़ी के बाद लाइक 7 o'clock के आसपास कुछ अंधेरा, थोड़ा अंधेरा होने के बाद लैम्प डांस रहेगा, वो भी देखना है और उसके बाद हम लोग बस कुछ नहीं है और कल हम लोग रिसॉर्ट से चेकआउट करने वाले। सो मैं आपको चाय कॉफ़ी के बाद यहाँ का स्विमिंग पूल बता दूंगा जो कि काफ़ी अच्छा है। हम लोग को यहाँ पे आके लाइक ऑलमोस्ट 24 hours हो गए और 24 hours में समर सीज़न में यानी कि मई में भी यहाँ पे 2 times हल्का हल्का ड्रिजल हुआ है। सो लाइक यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी अलग रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। अभी हमने एक बहुत ही बड़ा स्क्विरल दिखाया है, वो देखो उधर है। देखो उधर किधर, तो और ये स्क्विरल बहुत ही बड़ी है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल कैसा है। जो भी नॉर्मल स्विमिंग पूल होता है उससे काफ़ी अलग स्विमिंग पूल है ये। तो ये है इस रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल। सो इट्स लाइक इन्फिनिटी पूल है ये, इसके आगे लाइक आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा और ऐसा ये लोग ने बोला कि लाइक अगर फॉग नहीं रहेगा और क्लाउडी नहीं रहेगा तो यहाँ से सनसेट भी दिखता है। सो यस, ये है यहाँ का स्विमिंग पूल और काफ़ी अलग है हर स्विमिंग पूल से। वो लाइक नॉर्मली जो स्विमिंग पूल होता है विद ब्लू टाइल्स एंड लाइक ब्लू वाटर स्क्वायर स्विमिंग पूल वैसा नहीं है। बहुत स्वीट है, बस मस्त है ना।
सो ये भी हमारे की एक्टिविटी में इंक्लूडेड था. सो हम लोग ने ये एक्टिविटी को कम्प्लीट कर दिया और लाइक शुगर केन अवेलेबल नहीं होता हर टाइम. सो लकीली हम लोग को अभी मिल गया और हम लोग ने शुगर केन जूस निकालने का भी एक्सपीरियंस कर लिया. लिटरली बहुत लाइक लेजिट अनएक्सपेक्टेड रेन था. लाइक हम लोग मे में आए थे, हम लोग सोच रहे थे कि अभी कुछ रेन नहीं होगा, अभी ग्रीनरी भी कम होगा, पर ऐसे कुछ नहीं है. यहाँ पर जो है वो कभी भी बारिश गिरता है और लाइक कंटिन्यूस बारिश चालू ही रहता है. बट लाइक फ़र्क पड़ता है समर सीज़न में, थोड़ा फ्रीक्वेंसी और बारिश का इंटेंसिटी कम हो जाता है, और मानसून सीज़न में तो लाइक काफ़ी बढ़ जाता है. सो ये है हमारा एक्टिविटी. तो हम लोग ने फॉरेस्ट ट्रैक कम्प्लीट किया, लंच ये सब को चलते रहता, हम लोग ने पॉटरी किया, हम लोग ने मेहंदी आर्ट नहीं किया, बट मिस्टी ने किया है मेहंदी आर्ट, थोड़ा बहुत मेहंदी निकाला है उसने. टी टाइम तो हम लोग का होते रहता है, उसके बाद सनसेट पॉइंट गए थे हम लोग, उसके बाद लैम्प डांस जो है वो अभी रहने वाला है 8:00 से लेके 8:30 तक. सो अभी हम लैम्प डांस देखने वाले हैं और पूरा चेयर का अरेंजमेंट किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. Step. Come on, Sachin.